किस तरीके से आप इस बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं अभी आपसे एक बहुत ही सिंपल सी स्लाइड की बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में हम सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा। जो कोई भी बिजनेस की दुनिया में इन्वॉल्व है, उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी की फोटो जरूर देखी होगी कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। लेकिन मैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो चीज जो हम मिस कर जाते हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे जो एम्प्लॉई होता है उसके पास एक नौकरी होती है, एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो पर्सन वो होता है जो जॉब खुद करता है, खुद की जॉब खुद से करता है। और इनका जो मेन पर्पस क्या होता है, ये रिजल्ट्स के जरिए अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं। जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन हमेशा एक सिस्टम ओन करता है, यानी जो बिजनेसमैन का जो बिजनेस है वो उसके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, कितना पावरफुल उसका सिस्टम है। और इन्वेस्टर जो होता है उसकी इनकम डिफाइन होती है उसका कितना इन्वेस्टमेंट है और किस जगह पे वो इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में ये बहुत मायने रखता है कि आप क्या चीज आप डुप्लीकेट कर रहे हैं, क्या चीज आप नीचे कॉपी कर रहे हैं। सो मैं आपसे वही बातें करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली इस बिजनेस को जब आप ओन करते हैं, इस बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है, ये पीपल्स बिजनेस है, तो जो लोग हैं वो लोगों की माइंडसेट, लोगों का किस तरीके का नजरिया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो परिवार है उसमें किस तरीके के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनका कैसा रवैया है, उनका कैसा एटीट्यूड है, इससे आपके बिजनेस की सक्सेस और फेलियर बहुत हद तक डिफाइन होती है। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग, जिसको मेरे बिजनेस के स्टार्टिंग डेज में जिस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया था, और इस ट्रेनिंग को मैं बार बार देखा करता था मैं, और ये ट्रेनिंग आज भी steamteam.ca पर रिकॉर्डेड वर्जन अभी भी अवेलेबल है, जहां से मैं सारी चीजें सीखता हूँ। मैं आपके साथ उसकी एक चीज शेयर करूंगा और उसके बाद ही मैं आपको एक प्लान ऑफ एक्शन भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे हमारा सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं अपना लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। तो मैं अब आपसे शेयर करने वाला हूँ बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो मतलब वह तो बहुत ही सिंपल, जिसके ऊपर हम उसके ऊपरी हिस्से के ऊपर हम बहुत बार बात करते हैं अपने रेगुलर लाइफ में, बिजनेस वर्ल्ड में, लेकिन कभी भी हम उसके अंदरूनी हिस्से के ऊपर नहीं टच करते हैं। तो मैं आपसे आज थोड़ी सी इनडेप्थ होकर उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, जब कभी भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी जो बिजनेस होता है वो बिजनेस में आपको करना होता है एक्टिविटीज या आपके एक्शन, और वो एक्शन आपके रिजल्ट को डिफाइन करता है, और रिजल्ट से आपको जो है आपकी लाइफ स्टाइल इनकम मिलती है। हर कोई जहां कहीं पे भी जाओ, हर कोई यही बात करता है कि आपको क्या एक्टिविटीज करनी है, और इसके लिए लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। कोई कुछ सारे लोग शॉर्टकट करते हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन डाल देते हैं, मोटिवेशन करके बंदे को इंस्पायर कर दिया, ठीक है जाओ आप एक्टिविटीज करो, और वो हमने एक्टिविटीज करा के हम फिर उससे जो है हम रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि रिजल्ट्स से फिर हमारी लाइफस्टाइल चेंज होगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सक्सेस का या हमारे फेलियर का, जिसके ऊपर मैं आपसे फोकस करने वाला हूँ। जो एनएसटी ग्लोबल का सिस्टम है, जो कोर सिस्टम है, ये मैं आपसे उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारा एक्चुअल में जो फिलोसफी है इस कंपनी की, फिलोसफी क्या है कि आपकी सक्सेस या फेलियर किससे डिफाइन होगी, वो आपको इस पिक्चर में मैं आपको शोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही सिंपल सा फंडा है, वो ये है, आपका जो कोर बिलीफ है, जो आपकी कोर मान्यताएं हैं, बिलीफ को अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो मान्यताएं हम बोलते हैं, या हमारा जिन चीजों पे हमारा विश्वास होता है, वही चीजें हमारी जो है हमारी विजन को डिफाइन करती है। विजन मतलब हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं, और हमारे देखने के नजरिए से हमारे विचार डिफाइन होते हैं, और हमारे विचारों से हमारी फीलिंग्स डिफाइन होती है, और फीलिंग्स के ऊपर ही हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, हम एक्शन कर सकते हैं। हम लोग कोई रोबोट नहीं है, हम लोग कोई मशीन नहीं है कि हमें बस ये बता दिया गया कि आपको जाके प्लान देना है तो हम प्लान देने लगेंगे, हमें जाके प्रोडक्ट सेल करना है तो हम प्रोडक्ट सेल करने लगेंगे। क्योंकि इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो ये है कि यहाँ पे हम अपने खुद के मालिक हैं। तो अगर आप खुद के मालिक हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत मायने रखता है कि आपका ये जो इंटरनल सिस्टम है वो कितना करेक्ट है। और मैं आपको कुछ एक प्लान ऑफ एक्शन भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा एनएसटी ग्लोबल का ग्लोबल मार्केट में हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और इंडिया में भी हम बाकी मार्केट्स में किस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया मार्केट हो, चाहे वो अदर मार्केट्स हो, हम वहाँ पे किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले इसमें जो बात करता हूँ, तो सबसे कोर में कोई भी बिजनेस की या कोई भी काम करने की जो हमारे बिलीफ में सिस्टम आता है वो होता है हमारा बिलीफ या फेथ। तो जो हमारा ये बिलीफ और फेथ है, ये कैसे बिल्टअप होता है, ये हमारा बिलीफ और फेथ हमें कहाँ से मिला है? अगर मैं आपकी इसके ऊपर बात करूँ कि हमारा जो बिलीफ और फेथ है, जो हमारे थिंकिंग का पैटर्न है, वो एक्चुअल में हमें जो मिला है वो पहले नंबर पे हमें मिलता है हमारे माँ बाप से, जहाँ पे हम जिस घर में पैदा हुए हैं वहाँ पे हमें कुछ संस्कार, हम उसको संस्कार बोलते हैं, या बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो वो हमारा एक बिलीफ सिस्टम है जो हमें हमारे माँ बाप से हमें मिलना है।
फिर हमारे दोस्तों से हमें हमारा बिलीफ सिस्टम मिलता है, जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमारे को बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, या हम उनके थिंकिंग से इंस्पायर होते हैं। तीसरा होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम किस तरीके के एजुकेशन सिस्टम से कनेक्टेड है, क्या हमने एजुकेशन ज्यादा ली है, नहीं ली है, एजुकेशन ली है तो हमने कितनी प्रैक्टिकल एजुकेशन ली है, प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमने कितना उस तरीके से लिया है। चौथा हमारा जो बिलीफ सिस्टम बनता है वो हमारे रिलीजियस लीडर्स से बनता है, आप किस तरीके की थिंकिंग को फॉलो करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, या आप किस तरीके से आपको जो रिलीजियस आपको फीडबैक मिलना है वो भी आपको डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से आप चीजें सोच रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं। देन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो हमारा कल्चर का, कि कल्चर हमें जो है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं ले रहा हूँ, जैसे बाएं हाथ से खाना खाना है, बाएं हाथ से खाना खाना एक बहुत ही नॉर्मल सी नेचुरल सी चीज है, लेकिन हमारे कल्चर में इसको अलग ढंग से देखा जाता है, तो इसलिए आपको ये बहुत कॉमन नहीं दिखेगा, जबकि बाकी दुनिया में आपको ये पॉपुलेशन करीब 5 से 10% लोगों की मिलेगी जो लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं। सो ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की कि किस तरीके से आपका जो कल्चर है वो भी आपके बिलीफ सिस्टम को डिफाइन करता है, और बहुत कोर चीजें जो आपकी एकदम नेचुरल चीजें वो भी कैसे बदल सकती है। जैसे इसके अलावा फ्रेंड्स मीडिया है, मीडिया भी जो है वो बहुत हद तक रोल प्ले करता है। मैं इनफैक्ट जब अभी मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, मैं हमारे एक लीडर से उससे मैं बात कर रहा था, तो मैं उसकी फेसबुक पोस्ट वगैरह में देख रहा था, सो इट वाज फिल्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स। तो जब मैं हमारी बात हो रही थी तो मैंने उसके सामने ये पॉइंट पुट अप किया कि मैंने कहा कि जो चीज आप इनटेक कर रहे हो ये आपके बिजनेस को या आपकी एक्चुअल लाइफ को बहुत हद तक डिफाइन करेगा, आप क्या चीजें शेयर कर रहे हो या आप क्या चीजें देख रहे हो, क्योंकि तो बहुत ही सिंपल सा रूल है लाइफ का, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, आप क्या इनपुट डाल रहे हो वही आपका आउटपुट निकलेगा। हमारा दिमाग बहुत ही बढ़िया और बहुत हाई क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर है जो भगवान ने दिया है, लेकिन अगर आप उसमें गंदी चीज डालोगे, आप उसमें निगेटिव चीज डालोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको निगेटिव और गंदे ही चीज आपको रिवर्स में मिलेगा। नाउ ये जो बिलीफ सिस्टम है ये हमें डिफाइन क्या क्या करता है, ये हमें देता क्या क्या है, ये बिलीफ सिस्टम हमारी सारी चीजों के जो लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हमारी पिक्चर क्रिएट करता है। जैसे मनी को लेके, मनी को लेके जैसे अभी मैं एक आपको कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, सो मेरे फैमिली से मुझे बचपन से एक सीख मिली थी कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। सो एक मेरे माइंड में एक सबकॉन्शियस बिलीफ था कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। दूसरा चीज रिलेशनशिप्स, हमारे कैसे रिलेशनशिप्स होने वाले हैं, हमारे स्पाउस के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके पॉलिटिकल व्यूज, आपका पैसे को लेके आपका व्यूज, और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क को आप किस तरीके से देखते हैं, फेलियर को आप किस तरीके से देखते हैं, आप सक्सेस को किस तरीके से देखते हैं, ये सभी चीजों के ऊपर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा डिटर्मिन करता है कि आप इन सारे पैरामीटर्स को किस तरीके से आप देख रहे हो, किस तरीके से आप मेजर कर रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जब हम फेथ के ऊपर बात करते हैं, तो फेथ के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे टोटल 6 पैरामीटर्स हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हमारे रिलीजियस लीडर्स हो, चाहे वो हमारा कल्चर हो, चाहे वो हमारा मीडिया हो, ये हमारे जो है हमारे बिलीफ सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, और ये बिलीफ सिस्टम जो है यही हमारे जो है लाइफ के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो, या रिस्क टेकिंग हो, या वेल्थ क्रिएशन हो, या रिलेशनशिप्स हो, इन सबको डिफाइन करता है। मैं एक आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो बोलते होंगे मुझे तो कभी कोई अच्छा दोस्त मिला ही नहीं, या मुझे तो कभी कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिला ही नहीं, जिनके कई सारे डाइवोर्स हुए, या जिनके जिनका कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं बना, वो हमेशा इस चीज को रिपीट करते हैं कि हमारे मुझे कोई अच्छी दोस्ती मिली ही नहीं। सो नाउ ये एग्जैक्टली वो हो क्या रहा है, वो अपनी जो बिलीफ सिस्टम है वो उसको फर्म कर रहे हैं कि मुझे कोई अच्छी दोस्ती एग्जिस्ट नहीं करती है, या अच्छा पार्टनर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इसी तरीके से किसी ने बोला कि पैसे जो है वो तो सिर्फ गलत रास्ते से कमाए जा सकते हैं, ये एक रॉन्ग बिलीफ है, या पैसे कमाने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये एक बिलीफ है जो हमने एडॉप्ट किया है। तो आप अक्सर देखेंगे वो अपनी लाइफ में वो चीजों को वो फ्रूटफुल करते हुए देखते हैं, वो जैसा वो बोलते हैं वैसा उनकी लाइफ में वो चीजें होती हैं। सो अब ये जो बिलीफ और फेथ सिस्टम है ये एक दिन में चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसको चेंज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वर्क की जरूरत है। हालांकि मुझे पता है कि दुनिया के 4 ऐसे लेटर्स जिसको दुनिया में हर कोई सबसे ज्यादा हेट करता है वो होता है वर्क। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम में से हर कोई चाहता है कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ जाए जिससे हम ये सारी चीजें चेंज कर जाए, कोई जादुई चीज हो
बट ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा वर्क लगेगा और इसमें डेफिनेटली आपको हमारा जो सिस्टम है बहुत हेल्प करता है आपको अंदर से चेंज करने के लिए। ये मैं आपसे जो भी बातें कर रहा हूँ, ये मैं आपसे कोई आउटवर्ड मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपसे वो चीजों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में रियल लाइफ में आपको वर्क करती है या जो आपको हेल्प करती है। और ये न केवल आपको एनएसटी ग्लोबल बिजनेस में हेल्प करेगा बल्कि आपके लाइफ के ये सारे एस्पेक्ट्स में जो मैंने अभी आपसे बताए, रिलेशनशिप, मनी, वेल्थ, रिस्क, फेलियर, सक्सेस, सारी चीजों को ये डिफाइन करेगा। तो बेसिकली चार स्टेप्स होते हैं जिनके जरिए आप अपने बिलीफ सिस्टम को आप चेंज करते हो या आप अपने ऊपर वर्कआउट कर पाते हो। मैं आपको शेयर करता हूँ एग्जैक्टली वो स्टेप्स क्या क्या होते हैं जिनके जरिए आप अपने लाइफ में चेंज ला पाते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, अवेयरनेस। अवेयरनेस आपको तब आएगी जब आप एक राइट बिलीफ सिस्टम को आप पढ़ोगे, जब आप एक राइट बिलीफ सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से आप देखोगे। एक बहुत अच्छी स्टार्ट होती है साइंस ऑफ गेटिंग रिच, हालांकि साइंस ऑफ गेटिंग रिच जस्ट केवल एक बिगिनिंग है, इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आपको खत्म करना है। जनरली हमारा रिकमेंडेशन होता है आपको 1 ईयर प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए, हर साल में आपको कंप्लीट करना चाहिए। जो भी एनएसटी ग्लोबल की आपको प्लेटफॉर्म पे फ्री बुक्स मिल रही हैं वो बुक्स आपको पढ़ने जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस। अवेयरनेस आपको तभी आएगी, बहुत ही स्मॉल लेवल पे आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको तभी मिलेंगी जब आप उन चीजों को लेकर अवेयर होंगे। तो वो अवेयरनेस कब आएगी, जब आप एक राइट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे। दूसरा चीज है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आपको ये चीज की करनी पड़ेगी कि ये जो मेरे अंदर गलत बिलीफ सिस्टम है, जो मुझे सर्व नहीं कर रहा है, जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, वो बिलीफ सिस्टम मुझे कहां से मिला है। तो वो बिलीफ सिस्टम आपको पता करने के लिए आपको वो हेल्प करेगा सिस्टम। तीसरा चीज है डिसोसिएशन। जब आपको इस चीज का रियलाइजेशन हो जाता है कि आपके जो हो रहा है ये चीज के लिए आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपकी प्रोग्रामिंग रिस्पॉन्सिबल है, जो भी आपका बिलीफ का सॉफ्टवेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो तब जाके आप अपने आप को चौथे स्टेप पे रीप्रोग्रामिंग कर पाते हो। रीप्रोग्रामिंग करने का एक 21 डेज प्रिंसिपल होता है जो मैं लास्ट में आपको शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज का वेबिनार में मोस्ट ऑफ दी शायद 30 मिनट्स का ना, शायद 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो मुझे बेयर कीजिएगा। नाउ बिलीफ के बाद जो आपका सेकेंड स्टेप होता है, जो बिलीफ के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है जो आपका डिफाइन करता है, वो होता है हमारा विजन। अगर आपका बिलीफ सही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, आप कभी भी 2-3 दिन से ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 2-3 दिन से ज्यादा मोटिवेटेड रहो आप, अगर आपका बिलीफ सिस्टम सही नहीं है तो। तो बिलीफ सिस्टम क्या डिफाइन करता है, बिलीफ सिस्टम ये डिफाइन करता है कि आप चीजों को किस नजरिए से आप देख रहे हो। क्योंकि आप जो है, आप अगर कोई ऐसी चीज देख रहे हो जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे बिजनेस है, अभी नॉर्थ इंडिया में आप बिजनेस को आप किस पिक्चर से आप देख रहे हो, आप 2 पिक्चर देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि मैं इस चीज को लेकर काफी हाई लेवल पे सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो आपका फेथ और बिलीफ, जो बिलीफ है ना, वो आपका रियल वर्क करता है इस इनविजिबल चीज को आपको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो आपका सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है विजन का, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके पहले पैरामीटर पे, जिस पे मैंने अभी आपसे पिछले 15 मिनट बात की। मैं जनरली एक स्लाइड पे इतनी लंबी बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको बहुत इन डेप्थ में इस चीज को लेकर डिस्कस किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इनवर्ड सॉफ्टवेयर चेंज की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके माइंडसेट डीएनए को चेंज करने की। मैं आपसे कोई ऊपर ऊपर के हवा हवाई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे अंदर से आपको चेंज की बात कर रहा हूँ। नाउ जब आपका विजन जो होता है, विजन आपके डिफाइन करता है आपके थॉट्स को। सो थॉट्स आपके अगर आपको जस्ट सिंपली चेक करना है, एक लिटमस टेस्ट होता है ना, जैसे हम टेस्ट करते हैं, जैसे आपकी गाड़ी में तेल कितना है, आपका आपका इंडिकेटर बताता है कि आपके गाड़ी में फ्यूल कितना है, आप टंकी खोल के नहीं देखते हो। सो अगर आपको ये देखना है कि आपका बिलीफ सिस्टम आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, आप जस्ट ये देखो आपका जो टॉक है पूरे दिन भर में, ऑन एन एवरेज अगर 1 मंथ का टाइम स्पेंड दिया जाए, तो क्या वो जनरली पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो आपको उसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। नंबर टू, क्या आप पास्ट के बारे में बहुत बार बार सोचते हो, क्या आपने लास्ट वीक में कोई प्लान खराब किया आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हो, लास्ट ईयर आपका बिजनेस खराब गया आप उसके बारे में सोच रहे हो, या आपको कुछ साल पहले कोई फेलियर मिला था आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, या फिर आप पास्ट की कोई सक्सेस को भी लेके बैठे हुए हो कि, क्योंकि पास्ट की अगर कोई सक्सेस आप उसको बार बार लेके उसके ऊपर सोच रहे हो, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। आपका जो सेल्फ टॉक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप किसी से बात करते हो इस दुनिया में, किसी से भी, इनफैक्ट आप कोई भी पर्सन हो तो आप वो खुद से करते हो, आपका सिर्फ और सिर्फ आपसे, अपने आपसे सबसे ज्यादा आपका कन्वर्सेशन होता है। तो आपका ये जो थॉट है, ये थॉट किस तरीके का है, ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है।
अगर ये नेगेटिव है और अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी चीजें हैं, जनरली आपको ये आपको कंसिस्टेंटली आप मोटिवेटेड रहने में आपको प्रॉब्लम होती है, देन डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस पॉइंट्स पे आपको वर्क करने की जरूरत है। मैं आपको शेयर करूंगा कैसे आपको वर्क करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ जब आपके थॉट्स गलत होते हैं तो डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स भी जो होती है वो रॉन्ग आती है, और अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, हम में से ज्यादातर लोग जो हम मोटिवेशन की बातें सुनते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, हम थॉट्स के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि हमने टेम्पररी कुछ थॉट्स ले लेते हैं, बोरोड थॉट्स होते हैं वो, उसके पीछे कोई बिलीफ सिस्टम या उससे पीछे का जो हमारा विजन का पॉइंट है वो हम कॉपी नहीं कर पाते हैं, हम थॉट्स को कॉपी करते हैं। तो आपको जो थॉट्स हैं वो आपके टेम्पररी बेसिस पे, अगर आप सिर्फ थॉट्स पे वर्कआउट करोगे तो ये आपका टेम्पररी वर्कआउट होगा। सो थॉट्स आपको फीलिंग्स देता है और वो फीलिंग्स की वजह से आप एक्शन कर पाते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा कि जब कभी भी हम कोई बहुत फुल डे का सेमिनार लेके आते हैं, हम 2 से 3 दिन बहुत जबरदस्त हमारे अंदर एनर्जी होती है, हमें लगता है हम सब अचीव कर लेंगे, हम सब हासिल कर लेंगे। वो क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि हमारे पीछे जो फीलिंग्स के पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है वो होता है हमारे थॉट्स। वो थॉट्स के ऊपर हमने वर्क किया होता है 1 दिन या 2 दिन, जो भी हमने उसके ऊपर हमने उसको थॉट्स की बम्बार्डमेंट की होती है, और उसकी वजह से एक अच्छी सी फीलिंग आती है, और वो अच्छी सी फीलिंग आने की वजह से हमें क्या लगता है, हमारे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हम सब चीज दुनिया में वो कर सकते हैं। अगर आपने वो फेस कभी भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ऑलमोस्ट हम सभी ने कभी ना कभी ये चीज एक्सपीरियंस की है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कर लोगे, आप उस स्टेट में आप हमेशा रह सकते हो, आप उस स्टेट में आप जो है अपने आपको हमेशा के लिए पहुंचा सकते हो। और जब आप अपने आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में आप कंसिस्टेंटली आप रख पाते हो, तब वहां पे आपका रियल मैजिक स्टार्ट होता है वहीं से, क्योंकि आपकी फीलिंग्स भी कंसिस्टेंटली पॉजिटिव होती हैं, और कंसिस्टेंटली जब चीजें पॉजिटिव होती हैं तो देन डेफिनेटली आपके लाइफ में मैजिक आना शुरू होता है। नाउ जब आपके पास अच्छी फीलिंग्स होंगी या आपके पास अच्छी एनर्जी होगी, डेफिनेटली इसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक ही होता है कि जो आपका एक्शन में आ जाता है। अब आपका उस टाइम पे आपका एक्शन में वो चीज रिफ्लेक्ट होने लगती है। अगर आप वही चीज को अगर आप बार बार आप वो कर रहे हो, मीन्स आप उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके ऊपर उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। नाउ जब आपको अगर ये चेक करना है कि आपका माइंडसेट सही हुआ या नहीं हुआ है, तो आपको जस्ट ये देखना है कि पिछले 90 डेज का आपने क्या मनी मेकिंग एक्टिविटीज डेली बेसिस पे की है, क्योंकि एक्टिविटीज अगर आप 90 डेज तक कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। आप क्या माइंडसेट डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट की चीज कर रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझ सकता हूँ काफी टाइम पे ये एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है ये कर पाना, कि हम पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको शेयर करता हूँ। जब लास्ट ईयर कोविड स्टार्ट हुआ था, जब कोविड अनफॉर्चुनेटली जब हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पे लॉकडाउन लगे, हम लोगों ने एक एक्टिविटी स्टार्ट की। हम लोगों ने क्या किया, हमने डेली बेसिस पे मॉर्निंग एंड इवनिंग वी स्टार्टेड वेबिनार्स। जब हमने ये चीज स्टार्ट की तो उस टाइम पे हुआ क्या कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का बेस था उसमें करीब 10 से 15% लोग जो थे वो अवेलेबल रहते थे। 80-90% लोग हमेशा ये बोलते थे हमें ये टाइम सूटेबल नहीं है, हमारे लिए ये टाइम काम नहीं कर रहा है। नाउ उस टाइम पे हमें ये नहीं समझ में आता था कि मॉर्निंग का टाइम ज्यादा, क्योंकि सभी लोग घर पे हैं, सभी लोग घर के अंदर हैं, तो फिर ऐसा क्या इशू, घर के अंदर तो आप सबसे ज्यादा फ्री होते हो, बट उसके बाद भी कभी भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम साइज देखें तो 15% से ऊपर कभी भी चीजें नहीं होती थी। देन आई डिस्कस दिस विद आवर मेंटर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सी चीज शेयर की। उन्होंने बताया कि कभी भी आप कोई भी सिस्टम होता है उसको बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ लोग होते हैं जो बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ही थोड़े से नंबर के लोग होते हैं जो उस चीज को सीरियस वे में इंप्लीमेंट कर पाते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, और जो कंसिस्टेंट बेसिस पे इंप्लीमेंट कर पाते हैं वही एक्चुअल में रियल विनर होते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो डायरेक्ट सेल्स हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, कोई भी फील्ड हो। सो अगर आपको ये चेक करना है कि सेकंड जो चेकिंग पैरामीटर है, आप ये देख सकते हो कि आपका मनी मेकिंग एक्टिविटीज आप रोज के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो। अगर आप रोज के बेसिस पे आप 4 दिन कर रहे हो, 2 दिन गैप ले रहे हो, 3 दिन गैप ले रहे हो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो 4 दिन का एफर्ट भी वेस्ट है आपके लिए। दूसरा चीज, आपने आपका माइंडसेट किस तरीके का है, आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप माइंडसेट डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप क्या अपना आपका डीएमओ है। मैं लोगों को स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि जिन लोगों का माइंडसेट गड़बड़ है वो सब चीज छोड़ के दिन का 2 घंटा अपने बिजनेस का 2 घंटे वो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लगाए। और पर्सनल डेवलपमेंट और माइंडसेट डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स।
तो अगर आपको पर्सनल डेवलपमेंट शब्द से प्रॉब्लम है तो आप माइंडसेट डेवलपमेंट आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। नाउ अभी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप ये जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो ये आपको किस तरीके से सर्व करने वाली है, ये एक्टिविटीज आपको आपको किस तरीके का आपको रिजल्ट देने वाली है। आपको देखिए रिजल्ट्स हमें चाहे हम ये चाहें या ना चाहें, हम में से हर किसी को रिजल्ट मिलना है, रिजल्ट मिलना गारंटीड है। जो भी बिजनेसमैन है ना उसको कोई ना कोई रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। अभी रिजल्ट किस तरीके के मिलने हैं वो डिपेंड करता है हमारी प्रीवियस पॉइंट्स पे, हमारे प्रीवियस पिलर्स पे, जिसकी स्टार्ट होती है हमारी बिलीफ पे, हमारे फेथ सिस्टम पे। तो या तो ये हो सकता है कि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, रिजल्ट पे आपको ये मिल सकता है, या फिर आप ग्रोथ देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेशन होने लगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या आप देख सकते हैं कि आपका अवेयरनेस लेवल, आपका जो सोचने का लेवल है वो आपका इंक्रीज हो गया। ये सारी चीजें आपकी इंक्रीज होती हैं जब आप जो है आप एक राइट एक्शन लेके आते हैं। उसी के साथ जैसे बोलते हैं दिन होता है तो उसके साथ रात भी होती है, तो जैसे सक्सेस है वैसे फेलियर भी है। आप इस बिजनेस में आए हो तो दूसरा सेक्शन भी है वहां पे। अगर आप पहला नहीं कर पाते हो, अगर आप ऊपर वाले में नहीं हो तो आप डेफिनेटली आप नीचे वाले में होंगे, और अगर आप नीचे वाले में नहीं हो तो आप डेफिनेटली ऊपर वाले में होंगे। ये एक नोन फैक्ट है, इसको हम झुटला नहीं सकते, हम चाहे कितना भी इग्नोर कर लें। तो एक रिजल्ट आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई आपको ऐसे भी लोग मिले वो बोले वो ब्लेम गेम करते रहे, मैं कंपनी में जब ये चीज होगी हम तब कर पाएंगे, हम ये होगा तब हम कर पाएंगे, या फिर वो कंप्लेनिंग मोड में हो। अगर आप कंप्लेनिंग मोड में हो आपको वो इमीडिएटली चेक करना है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका एक्सटर्नल एक्सक्यूजेस, आप एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंडेंट हो। जैसे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, सो मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं इस चीज से मैं जूझ रहा था, अपने बिजनेस के थर्ड मंथ में मैं जूझ रहा था इस चीज से, मैं एक्सटर्नल एक्सक्यूजेस पे ध्यान दे रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ऑर्डर करने के लिए अपना इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होना जरूरी होता था। सो मैं एक्सक्यूज ये दे रहा था कि बहुत सारे लोगों के पास इंडिया में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होते नहीं है, इसलिए जो है मैं सेल ज्यादा नहीं जनरेट कर पा रहा हूँ। सो देन आई रियलाइज कि एक एक्सटर्नल एक्सक्यूज है जो मैं यूज कर रहा हूँ अपने आप को सांत्वना देने के लिए, कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दे रहा हूँ। और यह हर किसी का लाइफ का एक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ लाइफ है, इंसान कभी भी अपने बारे में बुरा फील नहीं करना चाहता है, तो वो एक्सटर्नल एक्सक्यूजेस अट्रैक्ट करता है। बाहर से ऐसी कोई भी चीज जो हमारे पर डिपेंडेंट नहीं है हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। अभी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, मैं आपको एक लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो आपको लास्ट ईयर से आपको मिल रहे होंगे, जो बोल रहे होंगे कि मैं कोरोना के बाद काम स्टार्ट करूंगा। अभी हम और आप दोनों जानते हैं कि कोरोना जो है ये कब खत्म होगा, ये क्या चीजें होंगी, ये उनके हमारे आपके हाथ में नहीं है चीजें, लेकिन उन्होंने इस चीज को देखे अपने आपको एक सेटिस्फेक्शन दे दिया है कि हम एक्सटर्नल एक्सक्यूजेस के हाथ में हम। देन लो सेल्फ वर्थ, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो खुद के बारे में तो निगेटिव सोचते हैं लेकिन सामने वाले के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि बहुत कॉमन चीज है लेकिन हमें से ज्यादातर तो लोग इसे कभी नोटिस नहीं करते हैं। मतलब कि आप खुद के अंदर की कमियां देख रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मेरे सामने वाला पर्सन है ये सब कुछ कर सकता है, इसके अंदर ये पॉजिटिव है, इसके अंदर ये पॉजिटिव है, इसके अंदर ये पॉजिटिव है। अगर आपके अंदर ये चल रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर लो सेल्फ वर्थ है, आपको डेफिनेटली इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। नाउ सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है वो है ड्रामा। नाउ ड्रामा, ये मैं आपसे कोई थिएटर ड्रामा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रियल लाइफ के ड्रामा की बात कर रहा हूँ। हमें से बहुत सारे लोग जो होते हैं वी आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स, हम बहुत अच्छी स्टोरी बता सकते हैं कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वरना आज की डेट में मैं चांद छू रहा होता। सो इसको मैं बोलता हूँ ये ड्रामा होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप, क्योंकि आपको इंटरनली आपको पता है कि आप कहाँ पे हो सकते थे और आप कहाँ पे हो आज, जहां कहीं पे भी हो ये सबसे टफ चीज है सॉलो करना उस चीज को कि हम 100% रिस्पॉन्सिबल हैं जहां कहीं पे भी खड़े हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जस्ट एक ट्रेनिंग जो steamteam.ca पे एक जो ट्रेनिंग है जो स्टार्टिंग पे आपको माइंडसेट की ट्रेनिंग के सेक्शन में मिलती है, ये मैंने उस ट्रेनिंग का एक आपको जस्ट एक ग्लिम्स दिया है। इस तरीके की ट्रेनिंग्स आपको बहुत सारी आपको अभी अटेंड करनी है, जो आप एज हमारे बिजनेस पार्टनर हो आपको ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और ये बहुत बहुत ही हाईली अप्रिशिएटेड ट्रेनिंग सेशंस हैं जो आपको मिलेंगे। ये मैंने जस्ट एक आपको वन ऑफ माय फेवरेट आपको मैंने अपने साथ शेयर किए कि इस तरीके की ट्रेनिंग सेशंस हैं जो आपको एंजॉय करने को मिलेंगे, जो हमारी टॉक्स के आगे कुछ भी नहीं है, जो हम और आप बात कर रहे हैं इन टॉक्स के आगे कुछ भी नहीं है, वो काफी हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग्स है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगेन जैसा मैंने आपको बोला, लाइफ स्टाइल या रिजल्ट्स दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। अगर रिजल्ट्स आपके अच्छे नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप भी लाइफ में कंप्लेसेंसी वाली आप लाइफ जियोगे, क्राइसिस रहेगा हमेशा, या फेलियर मिलेगा, या तो फिर आप जो है अगर आपने सक्सेस वाले आपको रिजल्ट्स मिले
आप सक्सेसफुल रहोगे लाइफ में, आप सिग्निफिकेंस रखोगे लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप आने वाली जनरेशन के लिए कुछ लेगेसी छोड़ के जाओगे। सो ये टोटली डिपेंड करता है, अगर मैं सारे चीजों के पेड़ की जड़ में जाऊं तो देखिए अगर आप ध्यान दिया हो तो वो वहां से था, हमारे बिलीफ और फेथ से। नाउ मैंने आपसे इतनी देर से बात की बिलीफ और फेथ सही करना है, सही करना है, वो कैसे सही हो सकता है? ऐसी क्या चीज है जिसके जरिए से हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये सिस्टम ऐसा क्या है जो आपको, जिसको इम्प्लीमेंट करना है? तो मैं अभी आपको सबसे पहले तो उससे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि किस तरीके का ये सिस्टम है और यहाँ पे आपको किस तरीके से आपको ये रिजल्ट्स देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले steamteam.ca पे हर एक पर्सन को जो भी इस कॉल पे है, जिस किसी की भी एक्टिव आईडी है, उसको मेक श्योर करना है कि उसकी आईडी steamteam.ca पे बनी हो। जैसे ही आप स्टीम टीम पे अपनी आईडी बनाते हैं तो वहां पे आपको जाते ही आपको यह है, ये बहुत सारे आपको कॉलम दिखेंगे, जैसे आपको होम दिखेगा, बिजनेस बिल्डिंग दिखेगा, बिजनेस मास्टरी दिखेगी, देन एनएसटी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपको चीजें मिलेंगी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलेगा, इंटरनेशनल सेक्शन में जो हिंदी लवर्स हैं उनके लिए हिंदी में मटेरियल रहेगा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या, अगर आपको ये सीखना है, आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट्स मिलेंगे, आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या क्या टूल्स हैं आप वो यूज कर सकते हो, लीड जनरेशन के आपको बहुत सारे ग्लोबल मेथड्स आपको मिलेंगे कि कैसे कैसे आप लीड जनरेशन कर सकते हो, अगर आपको बिजनेस का ओवरव्यू जान करना है तो भी आपके पास यहाँ पे एक सेक्शन है, ठीक है? तो आप इस तरीके से इस सेक्शन पर बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। नाउ सेकंड एक जो सेक्शन है वो है बिजनेस मास्टरी का। नाउ इस सेक्शन का नाम स्पेशली बिजनेस मास्टरी इसलिए रखा गया है क्योंकि यहीं पे मेन गेम छिपा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में एक कॉलम है पर्सनल डेवलपमेंट का। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो कॉलम है, अगर आप अपनी एनएसटी ग्लोबल की वेबसाइट दिन में एक बार देखते हो, अगर आप अपना बैक ऑफिस दिन में एक बार चेक करते हो और आप इसको दिन में दो बार नहीं चेक कर रहे हो तो आप क्राइम कर रहे हो अपने बिजनेस के साथ। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, आपके पास जब कभी भी फ्री टाइम होता है, जब कभी भी आपके पास खाली टाइम होता है, चाहे वो दिन का एक घंटा हो, दो घंटा हो, चाहे जो भी हो, आप चाहे ऑडियो में सुनना चाहे, चाहे आप बुक रीडिंग करना चाहे, चाहे प्रिंट आउट लेना चाहे, आपको इस सेक्शन की एक एक किताब को आपको कवर करना है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है आप हिंदी में परचेज करो, लेकिन ये बुक्स डेफिनेटली आपके लिए मस्ट है, ये बहुत जरूरी है, ये आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर बहुत वर्क करेंगी। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इसको हेट करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पर्सनल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पूरे बिजनेस की दुनिया का। अगर आप देखें तो हम लोग करते क्या है, हम लोगों का सिर्फ भी तीन ही तो काम है, हम एक तो प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, बिजनेस सेलिंग करते हैं, दूसरा चीज हम क्या करते हैं, हम जो तीसरा हम काम करते हैं, हम तीसरा करते हैं इस चीज को डुप्लीकेट करते हैं, यही तो हमारे तीन काम है अगर हम डायरेक्ट सेल्स की बात करें। लेकिन ये तीन सिंपल काम भी हर कोई नहीं कर पाता है, 98% लोग, 95% लोग इस चीज को नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? इट इज ओनली बिकॉज, क्योंकि वो इस सेक्शन को भूल जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि जैसे हम जैसे घर का खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि जो बोला जाता है ना कि मेरी मम्मी तो इस चीज को बहुत बोलती थी कि घर का खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाहर के खाने पे मत जाओ। तो आप फास्ट फूड खा रहे हो, आप 5 मिनट का यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, वो ठीक है, एक फास्ट फूड है, दिन में आपने एक फास्ट फूड ले लिया, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको रियल खाना खाना है, अगर आपको रियल नरिशमेंट करना है, आपको इन बुक्स के ऊपर जाना ही पड़ेगा, इसका अल्टरनेटिव नहीं है अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो। यही आपके अवेयरनेस के लेवल को इंक्रीज करेंगे। हालांकि मैं जानता हूँ 98% लोग नहीं करेंगे इस चीज को, 98% लोग कभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन जो भी लोग इस चीज को सीरियसली लेंगे वो इस चीज के वजह से लाइफ टाइम के लिए फ्री होंगे और वो सक्सेस का और वो फेलियर का जो डिफरेंस है ये तो गारंटीड है। आपको एक ना एक रिजल्ट तो मिलना ही है, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, तो आपको एक ना एक चीज तो मिलनी ही मिलनी है। सो डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेक्शन आपको डेफिनेटली रोज विजिट करना है। रोज कितना विजिट करना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपका एग्जैक्टली आप क्या क्या कर सकते हो। आपको मैं अभी टूल्स भी बताता हूँ कि आपको जिनके ऊपर वर्कआउट करना है। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये वो सेगमेंट है जिसके ऊपर आपको हर रोज आना है। आप अपना बैक ऑफिस एक महीने में एक बार देखो चलेगा, लेकिन इसको रोज देखना बहुत जरूरी है। अगर इसको आपने नहीं देखा तो आप नहीं कुछ किया। नाउ मैं आपको कुछ एक टूल्स पे शेयर करना चाहूंगा बहुत क्विकली, क्योंकि अभी टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। पहला चीज, आप जब कभी भी किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हो, मैं आपको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, www.whyrforrussiabforbombeiforindiazforzimbabwe.yrbiz.in। ये वेबसाइट पे आप जाओगे, ये हमारी लीडरशिप ने ही तैयार किया हुआ है,
इसमें मैंने अपने प्रेजेंटेशन अपलोड किए हुए हैं, आप किसी को रात को 12 बजे भी आपको किसी को लाइव प्रेजेंटेशन देना है, आप उसको आप वेबसाइट ओपन करके सामने सामने दिखा सकते हो प्रेजेंटेशन। दूसरा उसी तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए हमारा yarvis.com है, जहाँ पे आप किसी को 24 घंटे कभी भी किसी भी जगह पे आप दिखा सकते हो। और सबसे अच्छी चीज क्या है, ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल पे नहीं चलेगी, सिर्फ लैपटॉप पे चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये करना ही पड़ेगा, आप इसको कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो, और आपकी टीम का हर एक बंदा इसको यूज कर सकता है, हर कोई बंदा इससे प्रेजेंटेशन दिखा सकता है। अगर आपको प्रेजेंटेशन दिखाने नहीं आता है, सिंपली इसको यूज कीजिए। अनदर थिंग, 20 मिनट्स पर डे, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये आपको कम से कम, अगर आप बोलते हो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे लाइफ में 1 मिनट का भी फ्री टाइम नहीं है, तो भी आपको 20 मिनट आपको निकालने हैं दिन के, और कंसिस्टेंटली 21 डेज आपको देने हैं ये हैबिट फॉर्मेशन के लिए। आपको अपने मेंटल डेवलपमेंट के लिए, अपने माइंडसेट डेवलपमेंट के लिए आपको सेक्शन पे जाना ही जाना है। स्टार्ट करें साइंस ऑफ गेटिंग रिच से, बहुत सारी बुक्स है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमको सारी बुक्स पढ़नी है, हमें एक को भी छोड़ना नहीं है। जैसे हम बोलते हैं एग्जाम के लिए जाते हैं, यहाँ पे तो आपका लाइफ सेट हो रहा है। अगर आपको, मैं बोलता हूँ कि 10 से 15 छोटी छोटी किताबें पढ़ने से अगर आपकी लाइफ सेट हो रही है, तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बैड डील, अगर आपकी लाइफ सेट हो रही है तो। दूसरा चीज, आप प्रोडक्ट्स, आप पर्सनली आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप प्रोडक्ट्स को लेकर पॉजिटिव, आप दिल से तभी हो सकते हो जब आप खुद यूज कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक पर्सनल डेवलपमेंट, आपका बॉडी को भी आपको अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है। अगर आप एक अच्छी न्यूट्रिशन कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो लोग आपकी हेल्थ को, आपके आपके सेगमेंट को पहले देखते हैं। तो अगर आप अकेले आपसे इस प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, तो एक क्वार्टर में, मैं आपसे एक पूरे क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, अगर आप 90 BV के आसपास का आप खुद कंजम्पशन कर रहे हो, विच इज वेरी गुड, तो आपके लिए बहुत एक हेल्दी न्यूट्रिशन आपको दे रहा है। आपको अपनी मनपसंद के बहुत सारे पैकेजेस हैं, अभी 40-45 BV के भी पैकेजेस हैं, 90 BV के पैकेजेस हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जब आपके चेक्स बड़े होने लगते हैं, तो ऑटोशिप बैंकिंग से आप ऑटोमेटिक ही ले सकते हो। और अगर आपकी फैमिली है 4 से 5 लोगों की, तो आप करीब करीब 250 BV का आपको एक लेके चलना चाहिए। नाउ अगर आप बिजनेस की एक्टिविटीज की बात कर रहे हो, तो डेली दिन के आपके 5 प्रेजेंटेशन या फिर वीक के आपके 25 प्रेजेंटेशन, दोनों में से कोई भी एक चीज। जैसे अगर आपको लगता है मैं वीकेंड पे मैं सिर्फ फ्री हूँ, हफ्ते के 2 से 3 दिन में फ्री हूँ, ठीक है, अगर आप 20 से 25 प्रेजेंटेशन उस टाइम पे आप टारगेट करो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको उन्हें दिन का ही 5 किए तो ही होगा। और आपके 5 प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेशन, अगर आप ये चीज करते हो, तो आपका बिजनेस कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहेगा। नाउ इसके अलावा मैं लोगों को, हर किसी को बोलता हूँ कि हमारे बिजनेस की पहली इनकम आपकी चेक इनकम या आपके ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आती है, पहली इनकम जो होती है वो आपके कस्टमर से आती है। अगर आप 20 कस्टमर्स आप बना पाते हो और आप एक सस्टेनेबल इनकम रख पाते हो, तो ही आप एक बड़ा बिजनेस कर पाओगे। और हमेशा आप ये ध्यान रखो, आपको ये 20 कस्टमर्स बनाने के लिए एनएसटी में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अगर ब्यूटी पार्लर्स में आसपास के आपने पकड़ लिए, आपने उनको आपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए आपके लिए, या फिर आपके नॉन फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप टच कर सकते हो। हमारे प्रोडक्ट्स हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास 20 कस्टमर्स का बेस आप मेंटेन कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स होंगी, नंबर वन चीज। नंबर टू चीज, आपके पास एक सस्टेनेबल इनकम होगी जो आपके बेसिक खर्चे आपके घर के कंप्लीट कर देगी। नंबर तीन चीज, आपका एक पर्सनल गोल खुद का बिजनेस का होना चाहिए। ना इसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बहुत सारे लोग जो अभी गोल्ड या प्लेटिनम नहीं बने, आपको पहला टारगेट कर सकते हो कि मुझे गोल्ड बनना है या मुझे प्लेटिनम बनना है। नंबर टू, आप टारगेट कर सकते हो लेवल टू पे, आप क्या टारगेट कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी गोल्ड एंड प्लेटिनम हो, तो आप टारगेट करो आपकी अपकमिंग वैकेशन ट्रिप। बहुत आसान है इस चीज को अचीव करना। सर जैसे अभी लोकल इंडिया ट्रिप आ रही है 5,000 वॉल्यूम की, जो दुबई ट्रिप है 7,000 BV की, आप जो भी, आप जिस भी टाइम पे आप जो भी देख रहे हो, आप उस टाइम पे वो हिट कर सकते हो। आप अपकमिंग वैकेशन ट्रिप पे टारगेट कर सकते हो। नंबर तीन, आप एक टारगेट ले सकते हो कि लास्ट महीने मैंने इतनी साइकिल उठाई थी, इस महीने मैं इतनी साइकिल्स उठाऊंगा बिजनेस में। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स क्या है, ये सभी चीजें आप तभी करोगे जब आपके पास कोई ड्रीम है, और वो ड्रीम ऐसा कोई कच्चा ड्रीम नहीं है, वो ऐसा ड्रीम है जिसके साथ आपको प्यार हो गया है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक, जब भी आपको किसी के साथ प्यार हो जाता है, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता है, आपको ये पता नहीं चलता है आप कितनी बार वो उस पर्सन से मिल रहे हो। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, आपके पीछे एक बहुत स्ट्रांग ड्रीम होना बहुत जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स, हमारे इस बिजनेस में हमारा दिमाग जो होता है हमारा बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो हमारा दिमाग कभी भी हमें जो है नेगेटिव करता है कि मैंने इतनी सारी एक्टिविटीज की, भले से हम पिछले 10 दिन में हम खाली बैठे हो घर पे, लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एनएसटी ग्लोबल से हमें चेक आने लगे। सो हमारा जो एक्टिविटीज है उसको हमें मेजर करना बहुत जरूरी है। अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस मैन है इस कॉल पे, वो इस मेरी बात को समझ सकता है कि अब अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, तो अपने दिन की सारी एक्टिविटीज को नोट डाउन करते हैं।
अगर कोई शॉपकीपर है वो सामान बेचता है तो अपने सारे सामान को लिखता है कि क्या क्या सामान बिका है, तो उसी तरीके से आपको अपनी एक्टिविटीज राइट डाउन करनी चाहिए हर हफ्ते की। अनदर थिंग इज आपके थॉट्स ही होंगे वो आपके इस बिजनेस की जर्नी में सबसे बड़े आपके दुश्मन होंगे। नाउ सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको कभी भी किसी से भी कोई कमिट या रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है या आपको रॉन्ग चीज नहीं बतानी है आगे। रॉन्ग कमिटमेंट क्या क्या हो सकता है, प्रोडक्ट को लेके रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है, आपको बिजनेस को लेके रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है, आपको किसी से रॉन्ग थिंग के लेके आपको कमिटमेंट नहीं करनी है, आपको कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पावर लेक कल्चर नहीं प्रमोट करना है, आपको ये नहीं करना है कि ये आपको एक तरफ देखना ही नहीं है, मैं एक तरफ पूरा काम कर रहा हूँ, नहीं ये एक रॉन्ग कल्चर है। ये इसकी वजह से इंडिया में कभी भी 2 लाख के प्लांट्स ने वो हाइट नहीं हासिल की जो जनरेशन प्लांट्स ने हासिल की। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जो ग्लोबल कल्चर है हमें उसको फॉलो करना है, हमें राइट कल्चर प्रमोट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कभी भी ये इंप्रेशन नहीं देना है कि ये बिजनेस आपके अपलाइन का है आपका नहीं है। ये एक एक्चुअल में एक एम्प्लॉय माइंडसेट होता है जो हम एम्प्लॉय की दुनिया से या सेल्फ एम्प्लॉयड दुनिया से हम लेके यहाँ पे आ जाते हैं। सो आपको कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ये इंप्रेशन नहीं जाने देना है आपके किसी टॉक से आपके किसी एक्शन से कि ये मेरे अपलाइन का बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। इट इज आवर बिजनेस, क्योंकि हमारे जो चेक है वो हमारा अपलाइन हमसे नहीं लेने वाला है, हमारा चेक हम लेने वाले हैं। सो इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर हर कोई बिजनेस में इनकम कर रहा है और इसी स्ट्रक्चर की वजह से हम एक दूसरे को हेल्प के लिए इंकरेज हो रहे हैं। तो आपको कभी भी रॉन्ग चीजें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी शॉर्टकट के लिए नहीं प्रमोट करनी है। सो फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ मैं करीब 8 मिनट्स में ओवर एक्सटेंड हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया। मैं इसी के साथ ये वेबिनार एंड करता हूँ। इसका एक रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी जो मैं अपलोड करूंगा मेरे चैनल पे। अगर किसी का कोई सेक्शन मिस हुआ है तो वो उसको अटेंड कर सकता है वहां पे और इस चीज को वापस रिवीजन कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी एक बहुत ही लवली ऑडियंस है।